जी फिरोज, अभी आज जो है आप डॉक्टर हुमैरा के साथ सीखने वाले हैं कि सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सांस लेने की मशकें जो की जाती हैं उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड है वो क्या है, और वो सांस की मशकें या जो एक्सरसाइजेज हैं ब्रीदिंग वो किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा पहले जो है ना इसका जो पसे मंज़र है इन बातों का, हमने कई दफ़ा बात की कि जो है हमारी बॉडी में जैसे एक सिंपथेटिक सिस्टम होता है एक पैरासिंपथेटिक सिस्टम होता है ना, तो अब देखें आपकी जैसे सांस लेना है, आपके दिल की धड़कन है, ये जो चीज़ें हैं ये खुद बखुदी या जो ऑटोमेटिक एक तरीका है उसी से ये हो रही हैं, यानी आपको पता भी नहीं है और बहुत कुछ हो रहा है। इसके अलावा आपके खाना हज़म करने का जो निज़ाम है और उसको अपने जिस्म का जुज़ बनाने का जो निज़ाम है वो आपको पता भी नहीं, और आपके अंदर जो है वो ये सब के सब अमलियात खुदी से खुदी हो रहे होते हैं। अच्छा व्यूज़, अब जो है आज फोकस होगा हमारा कि सांस के ऊपर, और जो लोग भी पुरानी बीमारियों का शिकार हैं वो ज़रूर इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे, और मेरी कोशिश होगी कि ये बिल्कुल एक सिंपल वे में जो है ना आपको बताऊं और बहुत बोरिंग भी ना हो, ताकि जो है समझ भी आ जाए और उसको करना कैसे है वो भी समझ आए। ठीक है जी, व्यूज देखें जो सांस की मशकें हैं वो सारी दुनिया में अब इस पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। आपको तो पता है अभी तो जो करंट सिचुएशन है कोरोना की वजह से दुनिया भर में तो एक बहुत ही एनजाइटी की लेयर जो है वो फैली हुई है, और बहुत ज़्यादा कुछ सैड मोमेंट्स भी चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो अवाम उन्नास में देखने को रही है। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि ऐसी जो अल्लाह की बनाई हुई जो सिस्टम हैं जो कि इंसान की हीलिंग के लिए अल्लाह ने उसके अंदर फिट किए हैं, तो हम एक दूसरे को बताएं कि उन सिस्टम्स का जो कि इंसान के अंदर ही मौजूद हैं आप अपनी ही बीमारी को उस सिस्टम से कैसे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, देखें ना अब अक्सर हमारा जो फोकस होता है वो बीमारी के ऊपर होता है, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी क्या खुदा ने कोई हमें सिस्टम दिया है। तो इस चीज़ पे जो है ना मेरा फोकस होता है कि मैं आपको साथ साथ जो हीलिंग के तरीके हैं जो दुनिया भर में हैं जो डिफरेंट हैं, तो जो भी आई मीन मैं कोई यहाँ पे कोई बहुत कोई बिग स्कॉलर तो नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि चले जो भी मेरे पास मौजूद है वो मैं आप तक पहुँचाती चली जाऊँ, ताकि ये है कि उससे किसी का भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हो जाता है तो उससे ये है कि देखें एक सफरिंग जो है वो कम करने के लिए ही हम लोग जो है असल में डॉक्टर बनते हैं। तो अच्छा खैर, अब इस टॉपिक को फोकस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मज़े का। अच्छा देखिए, अब ब्रीदिंग के बारे में आप जो लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं या जो थोड़ा सा मेडिसिन में जिनको नॉलेज है आपको पता है कि इसके लिए डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं, यानी कुछ जो सांस की मशकें हैं वो आपको कराई जाती हैं। अच्छा फिर जो रिलीजियस तबका है वो भी ये जानते हैं कि बहुत से कुछ जो होते हैं अज़कार होते हैं अल्लाह के, तो वो भी जो है ना सांस बंद करके कुछ अज़कार किए जाते हैं। तो ये सांस बंद करना और ये जो है ना ये सारा ये जो क्या चक्कर है, आई मीन आज इस पे मैं असल में फोकस करना चाह रही हूँ। अच्छा फिर जो है अब डिफरेंट जो तरीके असल में जो मैं बताना चाह रही थी कि देखें उसमें एक तरीका है विम हॉफ मेथड का ब्रीदिंग का जो उन्होंने बताया। विम हॉफ एक आदमी हैं, वो उनको वैसे दुनिया आइसमैन के नाम से जानती है, उनकी बुक भी है आइसमैन, और विम हॉफ उनका नाम है, वो शायद किसी बहुत ही कोल्ड जगह में रहते हैं, मैंने बुक नहीं पढ़ी लेकिन मैं मुझे पता है कि उनका जो है वो उनके ना खास एक तरीका है जैसे आप कहते हो विम हॉफ ब्रीदिंग मैथड। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक तरीका बताया, इसके अलावा वो कोल्ड बाथ जो हैं वो भी कहते हैं, वो तो खैर हम लोग देखें अब बहुत से लोग हैं जो कि अब डिफरेंट जगहों पे रहते हैं ये सारा कुछ, और फिर ये किसी की बॉडी ये सारा कुछ आई मीन झेल पाए तो वही बात होती है। तो उस पर भी थोड़ी सी आज बात करते हैं कि विम हॉफ का मेथड है उसमें क्या है और जो हम करें वो उसमें क्या फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये है। तो अच्छा चलें थोड़ा सा पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक सिस्टम के बारे में समझते हैं, जिनको जो लोग ज़ाहिर है वो पहली दफ़ा हो सकता है ये वीडियो देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा उनके लिए अचंबा होगा कि ये क्या सिस्टम्स हैं। तो व्यूज़ ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में एक बताया था कि थोड़ा सा अगर हम सोचें कि एक घर है तो उसमें जैसे दो बहुएँ रहती हैं, ठीक है, तो एक जो है वो बड़ी काम सी है और वो
सोई रहती है और रेस्ट और डाइजेस्ट के साथ उसका ताल्लुक है, ठीक है, खाना और सोना और हीलिंग करना, कोई बीमार होता है तो उसको वो हील अप करने के लिए एक्टिव होती है, अदरवाइज़ जो है ना वो ज़रा इस तरह से होती है। अच्छा, तो दूसरी जो बहू है वो जो है ना बहुत लड़ाका तैयार है, कहीं भी लड़ना हो तो वो एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो वैसे जो है ना वो जब, अच्छा इस घर में ये चक्कर है कि दोनों वक्त में ना एक बहू जो होती है ना वो एक्टिव होगी, अगर ये वाली एक्टिव है तो फिर ये वाली जो है ना ये डाउन हो जाएगी। अच्छा, तो अगर सिर्फ घर में फाइट्स होती रहती हैं और लड़ाई झगड़ा होता रहता है और भाग दौड़ होती रहती है तो फिर ये वाली बहू एक्टिव रहती है और ये वाली दबी रहती है, ठीक है। तो जब भी जब आप कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर होती हैं घर में तो ये वाली बहू एक्टिव हो जाती है, फिर ये वाली डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपकी बॉडी में सिस्टम्स हैं जो कि अल्लाह ने सेट किए हैं। तो ज़्यादातर ये वाला जो सिस्टम है, अगर ये ज़्यादा एक्टिव रहता है फाइट फ्लाइट वाला, तो फिर ये होता है कि आपकी अंदर जो बीमारियों की रुझान है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और फिर ये अच्छी बात नहीं होती। तो हमारा फोकस ये होता है कि ये वाली जो हमारी बहू है ये ज़रा एक्टिव रहे, ये ज़रा पीछे ही रहे, ये कभी कभी जो है ना जब ज़रूरत हो तो तब आया करे, ठीक है। तो इस बहू को एक्टिव रखने के लिए जो है ना ये ब्रीदिंग की टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि ये बहू हमें निकालेगी बीमारियों से और हमें हील अप करेगी। और अब हमने देखना है कि ये वाली जो हमारी बहू है ये कैसे एक्टिव हो सकती है। तो ये बहू नहीं है, ये आपका जो है पैरासिम्पथेटिक एक नर्वस सिस्टम है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके लिए जो है ना एक तरीका है इस बहू को एक्टिव करने का, सांस लेने की मशकें करने का, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स देखें, अब इस जो तरीके में हम जो है ना उसमें ये है कि हम पहले जो है, आपको पता है कि जब आप सांस को अंदर खींचते हो, ठीक है, तो इसको यहां से उठाते हैं, हाँ जी, जब सांस को आप अंदर खींचते हो तो आपका जो सिंपथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, ये वाला, ठीक है, ये आप सांस को अंदर खींचा आपने, ठीक है। अच्छा, जब सांस को आप बाहर निकालते हो तो फिर आपका ये वाला जो सिस्टम है पैरासिंपथेटिक सिस्टम वो एक्टिव होता है। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आप जो है ना ये सांस ले रहे हैं और खींचा आपने अंदर, और ये जो है ये आप इसको बाहर निकाल रहे हो। तो अब आपने देखा कि अक्सर हम लोग जैसे सांस लेते हैं उसमें ये होता है कि भाई जो आपकी है ना ये, जैसे अब आप नॉर्मली लोग कैसे सांस ले रहे होते हैं कि भाई ऐसे ये वाला सांस बेशक जो है अंदर खींचा और उसको जो है ना बस थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, उसके बाद फिर एक लंबी सांस खींच लेते हैं, और फिर इसमें ये होता है कि भाई सिंपथेटिक सिस्टम तो एक्टिव हो रहा है लेकिन जो पैरासिंपथेटिक है ना वो उतना ज़्यादा आप एक्टिव नहीं कर पाते हो। तो अब इसमें आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई आपने नोट करना है कि 3 से 4 सेकंड, या 3 सेकंड करें या 4 सेकंड करें, 3 सेकंड के लिए सांस को अंदर लेके जाएं फिर इसको बाहर निकालें। अच्छा, फिर 3 सेकंड के लिए जो है सांस को अंदर लेके जाएं फिर बाहर निकालें, ठीक है। फिर इनका यानी दोनों का जो है ना हमने बैलेंस करना है, यानी ये जो हमारे दो सिस्टम हैं हम चाहते हैं कि ये बैलेंस में रहें ऐसे। तो बैलेंस में ये रहेंगे तो वो एक स्टेट ऑफ हेल्थ होती है, ठीक है। तो ये है, तो अगर हम सांस अंदर लंबी खींच रहे हैं निकाल थोड़ी सी रहे हैं तो फिर ये बैलेंस जो है ना इस तरफ हो रहा है, ये इस तरफ वाला हो रहा है और जो पैरासिंपथेटिक है वो वाला जो है ना वो हल्का पड़ गया, ठीक है। तो इसको जो है ना आपने माइग्रेन के लिए, जैसे अब उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है खासतौर पर, लेकिन वैसे भी कोई भी शख्स कर सकता है जो कि बीमारियों से फाइट कर रहा है, उससे कोई ऐसा मसला नहीं है कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ये कोई भी शख्स कर सकता है, ये आपका अपना सिस्टम है। सिर्फ आपने ये क्या करना है कि 3 सेकेंड के लिए उसको अंदर खींचा, 3 सेकंड जो है ना वो बाहर निकालने में उसको सांस को आपने इतना टाइम देना है। अच्छा जी, विम हॉफ जो मेथड है वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, वो ज़्यादा शायद टफ़ लोग शायद कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए वो कहते हैं कि 10 सेकंड के लिए ना ये खींचें सांस और फिर 10 सेकंड के लिए बाहर निकालें, फिर 10 सेकंड के लिए खींचें। वो 10 सेकंड के लिए ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो है तकरीबन 30 टाइम्स जो है ना आप करें,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसके बाद अक्सर लोग जो है चकरा के गिर जाते हैं, या तो या फिर ये होता है कि वो कुछ बेहोश होने का भी चांस होता है, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो मेरा ख्याल है मुश्किल है तरीका, ये वाला ठीक है कि आप 3 सेकंड के लिए अंदर खींचो, 3 सेकंड के लिए बाहर निकाल दो, ठीक है, तो ये ईजी वाला मैथड है। तो वो भी अब देखें, अब अपनी अपनी टॉलरेंस लेवल होता है, कुछ लोग उसको भी फॉलो करते हैं, उससे उनको फ़ायदा होता है, लेकिन ये है कि ये आसान सा आप रखें अगर लाइफ को, तो फिर वो ज़्यादा ज़रा इजी रहता है काम, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, और आई होप कि आपको इसमें जो है कोई नई बात पता चली हो, और व्यूअर्स आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जो है शेयर करें। अभी ये इस पे हम मज़ीद बात करते रहेंगे, ये तो है, ये हम लोग माइग्रेन वालों को फोकस कर रहे हैं, जिन लोगों को माइग्रेन है वो, जैसे जिन दिनों में वो माइग्रेन नहीं होता वो ऐसे कर सकते हैं कि जो है ना वो ये वाली इसकी ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करें और अपने आप को ठीक रखें। इससे ये होगा कि जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है उनका एक्टिव रहेगा, और फिर ये होगा कि माइग्रेन के जो तादाद है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है जी, या उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम होगी इंशाल्लाह ताला। तो व्यूज़, ये आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, ये सब्सक्राइब करें, और मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ के लिए भी इंतज़ार करें। एंड व्यूज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।